हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल माँ बेटी इजी रेसिपी में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं एक नया सा रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे खाना हर कोई पसंद करता है। बच्चे से लेकर बड़े तक कोई पसंद आता है क्योंकि बिना मसाला का बनाकर तैयार किया जाता है। ये है हमारा वाइट सॉस पास्ता। इसे बनाना बहुत ही आसान होता है। हम बाहर खाते थे, कितनी महंगी मिलती है, तो इसलिए मैं लेकर आई हूँ वीडियो। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करती हूँ। ये हमारा पास्ता, मैंने इससे पास्ता लिया है। आप चाहें तो कोई भी पास्ता ले सकती हैं, किसी भी डिज़ाइन का। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे बनाने के लिए कुछ वेजीज ले लिया है, कुछ सब्जी का इस्तेमाल करूँगी। तो मैंने यहाँ पर एक प्याज लिया है बारीक कटा हुआ, शिमला मिर्च लिया है बारीक कटा हुआ, ब्रोकली ले लिया है बारीक कटा हुआ, और लहसुन बारीक कटा हुआ, काली मिर्च, ये हमारी चिली फ्लेक्स है, रेड चिली फ्लेक्स है, और मैंने यहाँ पर मैदा ले लिया है 3 चम्मच। तो फिर चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है पानी, 1 गिलास पानी, 2 गिलास पानी है, आप अपने पास्ता के हिसाब से पानी डालिएगा। मैंने 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है, रिफाइंड ऑयल, 1 चम्मच नमक डाला है। इसे डालकर उबालने से हमारा पास्ता एक में नहीं चिपकेगा और पास्ता में भी थोड़ा सा नमक का स्वाद आ जाता है, क्योंकि पास्ता तो हमारा एकदम सादा होता है, इसलिए नमक डालने से बहुत ही अच्छा आता है इस पर फ्लेवर। तो इससे हमें बिना ढके इसको उबालेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ढकने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि पानी गिरने लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो एक मैं निकाल कर दिखा रही हूँ, हमें इसको पूरा ओवर कुक नहीं करना है, हमें थोड़ा सा इसको कच्चा ही रखना है। चलिए मैं कट करके दिखाती हूँ। तो देखिए हमारा कैसे कट हो रहा है, ज़्यादा हमारा नहीं पका हुआ है, थोड़ा सा कच्चा ही है। तो चलिए हम गैस को ऑफ करते हैं। परफेक्ट हमारा बनके तैयार हो गया। फिर मैं इसे जाली वाली थाली में ले लेती हूँ और ठंडा ठंडा पानी इसके ऊपर से गिराऊँगी ताकि गर्म रहने पर ये हमारा ओवर कुक हो जाएगा। तो ठंडा पानी मैंने गिरा लिया है। फिर मैंने यहाँ पैन लिया है, बटर डाल दिया है। फिर बटर डालने के बाद से मैं इसमें डालूँगी, मेल्ट होने के बाद से प्याज, अपने कटा हुआ प्याज मैं डाल दूँगी। प्याज डालने के बाद से फ्रेंड्स, मैं इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन भी ऐड करूँगी। फिर मैं इसे थोड़ी देर के लिए भून लूँगी, ऐसे चलाते हुए मैं भूनना फ्रेंड्स। तो लीजिए हमारा प्याज भून चुका है। फिर मैं डालूँगी इसमें शिमला मिर्च, फिर डालूँगी ब्रोकली, फिर मैं इसे हल्का हल्का चला कर भूनूंगी। बहुत इसे ओवर कुक नहीं करना है फ्रेंड्स, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए बस इसे आप भूनिएगा, ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि मैंने पहले से बारीक कट करके रखा था। तो चलिए हमारा भून गया। फिर मैं दूसरा लेती हूँ एक पैन, फिर मैं इसमें भी 2-4 चम्मच के करीब मैं बटर डाली हूँ। मेल्ट होने के बाद 4 चम्मच ये हो जाएगा हमारा। फिर मैं इसमें डाल दे रही हूँ मैदा 1 चम्मच, 2 चम्मच और 3 चम्मच। अब फ्लेम को लो रखिएगा फ्रेंड्स, इसे चलाते रहिएगा कंटिन्यू, ऐसे ही चलाते रहिएगा, छोड़िएगा नहीं वरना ये हमारा जल जाएगा। तो देखिए हम जब हल्का सा कलर डिफरेंट हो जाए तो फ्रेंड्स फिर इसे क्या करिएगा, इसमें दूध डालिएगा। मैं 3 कप यहाँ पर दूध ली हूँ। दूध को पहले से नाप कर रख लीजिएगा, फिर थोड़ा थोड़ा करते हुए इसमें हम गिराएंगे दूध को। आँच को बिल्कुल लो रखिएगा, अगर इसमें लम्स नहीं पड़े फ्रेंड्स, अगर लम्स पड़ जाएगा तो फिर हमारा वाइट पास्ता ख़राब लगेगा, अच्छा नहीं बनेगा। तो मैं क्या की हूँ फ्रेंड्स, गैस को ऑफ कर दी हूँ। उसके बाद से पूरा अच्छे से जब मैं मिक्स कर लूँगी तो फिर मैं गैस को जलाऊँगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे लम्स रह जाता है तेज़ी से हाथ नहीं चलाने की वजह से, इसलिए मैंने गैस को ऑफ कर दिया था। फिर गैस को जला ली हूँ। जब अच्छे से मैंने मैदे को मिक्स कर लिया था दूध में, तो लीजिए देखिए कितना अच्छा सा हमारा सॉस बन के तैयार हो रहा है।
देखिए कोई भी लम्स नहीं पड़ा हुआ है। और फिर इसमें कुछ सामान हम ऐड करने, ये हमारा मोजरेला चीज़ है, मैंने पहले से इसको ग्रेट करके रख लिया था, फिर मैं मोजरेला चीज़ मैंने इसमें डाल दिया है। फिर मैंने डाला है चिली फ्लेक्स, और फिर मैं डालूँगी इसमें काली मिर्च आधा चम्मच के करीब। फिर मैंने डाला नमक इसमें थोड़ा सा। फिर मैं इसको चलाऊँगी फ्रेंड्स, ऐसे चलाते रहेंगे। फिर क्या करेंगे, पक गया हमारा, हम करेंगे गैस को ऑफ। और फिर फटाफट से क्या कर अपनी वेजीज वाली कढ़ाई को मैं लेकर आती हूँ। मैं सॉस को उतार लेती हूँ, फिर कढ़ाई को रखती हूँ गैस के ऊपर। सब्जी वाली कढ़ाई को मैंने गैस के ऊपर रख दिया है। फिर इसमें मैं डालूँगी अपने उबला हुआ पास्ता को, सारे पास्ता को मैं इसमें डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मैं इसे चला लेती हूँ, इसको अच्छे से चलाना फ्रेंड्स। ऐसे ही चलाते हुए इसे हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद से थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि स्पाइसी और बनाना है तो थोड़ा सा और भी इसमें चिली फ्लेक्स डाल दीजिएगा। तो थोड़ा सा मैं इसमें चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। फिर डालने के बाद मैं इसे चला लूँगी, अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद से मैं अब डालूँगी इसमें वाइट सॉस। तो चलिए फ्रेंड्स मैंने अच्छे से चला ली हूँ। फिर मैं इसमें डालती हूँ वाइट सॉस जो मैंने बना कर तैयार किया था। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो लीजिए मैं डालना स्टार्ट करती हूँ। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा। ये हमारा सॉस फ्रेंड्स थोड़ा सा थिक हो गया है, आप चाहें तो और भी पतला बना सकती हैं, पर मैं थोड़ा सा चली गई थी बच्चे को संभालने गैस का ऑफ करके, इसलिए हमारा ज़्यादा थिक हो गया है। तो फ्रेंड्स फटाफट से हम अपने सॉस को मिला देंगे पास्ता में। मिलाने के बाद से अच्छे से फिर से हम गैस को बंद करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो पता चल सके आपको। तो मैं गर्मा गर्म सर्व करने के लिए मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। तो फ्रेंड्स मैं इसी तरह से मैं आपके लिए आगे भी इजी रेसिपी लेकर आती रहूँगी। आपके सपोर्ट से मैं एक दिन आगे बढ़ जाऊँगी फ्रेंड्स। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। अगर हमारे वीडियो में कोई कमी हो तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, मैं अगली बार मैं उसको सही करने के लिए प्रयास करूँगी। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो।